हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। आज का हमारा टॉपिक है जीआई टैक्स। पिछले 6 महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट जीआई टैक्स मिले हैं मैंने सब इस वीडियो में कवर किए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। मास्क मेकिंग एंड मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग ऑफ विच प्लेस रिसीव जीआई टैक्स? तो ये जो है ये मजुली आइलैंड है, वहाँ के मास्क मेकिंग और मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। मजुली जो है ये लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है वर्ल्ड का, और इन्हें दो चीज के लिए जीआई टैग मिला है, माजुली मास्क मेकिंग और माजुली मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग के लिए। विच स्टेट्स यूरोपा तरकशी बांग्लार मसलिन गॉट जीआई टैग? तो ये जो है ओडिशा के कटक का रूपा तरकशी, जो कि वाइडली नोन एज सिल्वर फिलीग्री ये बोला जाता है उन्हें, और बांग्लार मसलिन, इसको जीआई टैग मिला है। विच स्टेट्स रेड एंट चटनी लोकली नोन एज स्काई चटनी गॉट जीआई टैग? तो ये है ओडिशा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट की। इसे रेड एंट चटनी बोला जाता है, लेकिन लोकली इसका नाम होता है काई चटनी बोला जाता है लोकली। विच स्टेट्स सुंदरबन हनी लोकली नोन एज माओबन गॉट जीआई टैग? तो ये मिला है वेस्ट बंगाल के सुंदरबन हनी को। और भी दो दो तीन चीज़ों को जीआई टैग मिला है, तो वो देखते हैं। ब्लैक नूनिया राइस, ये इसे प्रिंस ऑफ राइस भी बोला जाता है, ये वेस्ट बंगाल के जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट से हैं, उसे भी जीआई टैग मिला है। और तीन साड़ी है, तंगेल गोरोड और काडियाल, ये तीनों साड़ी जो कि वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अप्लाई किया था जीआई टैग के लिए, तो तीनों साड़ी को जीआई टैग मिला है, और ये वहाँ का रिच टेक्सटाइल हेरिटेज शो करती है। और जो कड़ियाल साड़ीज हैं वो मोस्टली मिर्जापुर इन मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती हैं। विच स्टेट्स लकाडोंग टर्मरिक गॉट जीआई टैग? लकाडोंग टर्मरिक कौन से स्टेट की है ये पूछा है, तो ये है मेघालय की, जिसे जीआई टैग मिला है। मेघालय से कुछ और प्रोडक्ट्स है जिन्हें जीआई टैग मिला है, वो देखते हैं। गारो दकमंदा, ये ट्रेडिशनल ड्रेस है वहाँ की मेघालय की, उसे जीआई टैग मिला है। लरनाई पॉटरी, इसे भी जीआई टैग मिला है। गारो चुबिची, ये एक अल्कोहलिक बेवरेज है, इसे भी जीआई टैग मिला है। विच स्टेट और यूटीज किश्तवार सैफ्रॉन गॉट जीआई टैग? तो किश्तवार सैफ्रॉन कहाँ का है जिसे जीआई टैग मिला है, ये है जम्मू एंड कश्मीर का। जम्मू एंड कश्मीर में इसे कुंग बोला जाता है, और अगर हम नेशनल यानी इंडिया के लेवल पे देखें तो इसे केसर बोला जाता है, सैफ्रॉन को केसर बोला जाता है। विच स्टेट सलेम सागो गॉट जीआई टैग? सागो का मतलब होता है साबूदाना, देखो आप इसमें देख सकते हो, इसे साबूदाना बोला जाता है, और ये सलेम डिस्ट्रिक्ट का है। तो ये कौन से स्टेट का है ये पूछा है, तो ये है तमिलनाडु का। विच स्टेट और यूटीज भदरवा राजमा गॉट जीआई टैग? तो ये है जम्मू एंड कश्मीर से। भदरवा राजमा जो है जम्मू एंड कश्मीर के डोडा रीजन से है, और सुलई हनी जो है इसे भी जीआई टैग मिला है, ये है रामबान डिस्ट्रिक्ट से जम्मू एंड कश्मीर में, दोनों को जीआई टैग मिला है। विद स्टेट और यूटीज मुश्क बुद्ध जी राइस गॉट जीआई टैग? ये है जम्मू एंड कश्मीर से, एंड जम्मू एंड कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से है। जम्मू एंड कश्मीर के राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट, ये राजौरी डिस्ट्रिक्ट का है, उसे भी जीआई टैग मिला है। विद स्टेट्स चोकुवा राइस गॉट जीआई टैग? तो चोकुवा राइस जो है इसे पॉपुलरली मैजिक राइस भी बोला जाता है, और ये जो है आसाम स्टेट से है। विद स्टेट्स याक चुरपी गॉट जीआई टैग? याक चुरपी कौन से स्टेट से है जिसे जीआई टैग मिला है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश से। याक चुरपी का मतलब ये है कि जो याक का मिल्क है उसमें से डेयरी प्रोडक्ट बनाया जाता है, फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट होता है, उसे याक चुरपी कहा जाता है। विद स्टेट्स रायगढ़ा शॉल गॉट जीआई टैग? ये है उड़ीसा स्टेट से। रायगढ़ा शॉल जो है वो हैंड वोवन होती है, मतलब हैंड से बनी हुई होती है, हाथों से बनी हुई होती है, और इन्हें डोंगरिया कोन्स जो है वो बनाते हैं, उड़ीसा के डोंगरिया कोन्स होते हैं, ट्राइब्स हैं ये बनाते हैं। और एक चीज नोट कीजिएगा, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट का जो कोरापुट काला जीरा राइस है उसे भी जीआई टैग मिला है, और उसे प्रिंस ऑफ राइस भी बोला जाता है। विद स्टेट्स मेटी बनाना गॉट जीआई टैग? मेटी बनाना जो है वो तमिलनाडु से बिलोंग करता है, और ये कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। विद स्टेट्स कल्पी हैंडमेड पेपर गॉट जीआई टैग?
ये कौन से स्टेट के हैं? ये है उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के 7 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है हाल ही में, तो वो देखते हैं वो कौन कौन से हैं। अमरोहा ढोलक है, कल्पी हैंडमेड पेपर, बागपत होम फर्निशिंग, बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट्स, महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प, मेनपुरी तरकाशी, संबल हॉर्न क्राफ्ट। ये 7 प्रोडक्ट्स हैं यूपी के जिन्हें जीआई टैग मिला था। विथ स्टेट और यूटीज बसौली पश्मीना गॉट जीआई टैग। तो ये कौन से स्टेट्स हैं? यूटी स्टेट्स हैं, ये हैं जम्मू एंड कश्मीर से, जम्मू एंड कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट से हैं बसौली पश्मीना, उसे जीआई टैग मिला है। गुलबर्गा तूर दाल या फिर कलाबुर्गी रेड ग्राम, ये कौन से स्टेट के हैं जिसे जीआई टैग मिला है? तो ये है कर्नाटका स्टेट से जिसे जीआई टैग मिला है। और प्रोडक्ट्स हैं कर्नाटका के जिसे जीआई टैग मिला है, तो वो देखते हैं नंजांग गुड़, बनाना, मैसूर सिल्क, चन्नापट्टनम टॉयस, सिरसी सुपारी, बाबा बुदान गिरीस, अरेबिका कॉफी। ये सबको जीआई टैग मिला है और सब कर्नाटका से हैं। विथ स्टेट्स ऑथर बीटल लीव्स गॉट जीआई टैग। ऑथर बीटल लीव्स यानी कि ये एक पान का पत्ता होता है, तो वो कौन से स्टेट का है जिसे जीआई टैग मिला है? ये है तमिलनाडु का। कुंबन ग्रेप्स जो है तमिलनाडु के, उन्हें भी जीआई टैग मिला है। विथ स्टेट्स मानकुर्द मैंगो गॉट जीआई टैग। मानकुर्द मैंगो कौन से स्टेट के हैं जिन्हें जीआई टैग मिला है? ये है गोवा के। गोवा का और भी चीजें हैं जिन्हें जीआई टैग मिला है, तो वो देखते हैं रीगल डेजर्ट है गोवा की, गोवन बेबिन का बोलते हैं। ये एक लेयर्ड केक होता है, केक है जिसे जीआई टैग मिला है। इसे बेबी का और बेबिन का भी बोला जाता है, और क्वीन ऑफ गोवन डेजर्ट्स इसे बोला भी जाता है। जलेसर धातु शिल्प है उत्तर प्रदेश का, जिसे भी जीआई टैग मिला है। राजस्थान के कुछ जीआई टैग्स मिले हैं, वो देखते हैं कुछ प्रोडक्ट्स को। उदयपुर कुफ्तगरी मेटल क्राफ्ट है जिन्हें जीआई टैग मिला है। बीकानेर काशीदकारी क्राफ्ट, जोधपुर बंदेश क्राफ्ट, बीकानेर उस्तकला क्राफ्ट, ये सब राजस्थान के हैं जिन्हें जीआई टैग मिला है। विथ स्टेट्स नगरी दुबराज राइस गॉट जीआई टैग। तो ये कौन से स्टेट से हैं? ये है छत्तीसगढ़ से जिसे जीआई टैग मिला है। और मरचा राइस जो है वो बिहार से है, उसे भी जीआई टैग मिला है। विथ स्टेट्स गजक गॉट जीआई टैग। ये आप देख रहे हो, ये जिसे गजक बोलते हैं, ये कौन से स्टेट का है जिसे जीआई टैग मिला है? तो ये है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश का जो मुरैना डिस्ट्रिक्ट है उसकी गजक फेमस है, उसे जीआई टैग मिला है। और सुंदरजा मैंगो है रेवा डिस्ट्रिक्ट के, उन्हें भी जीआई टैग मिला है। और मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग्स होती है, उन्हें भी जीआई टैग मिला है। विथ स्टेट्स अथरेयपुरम पुथारे कुल्लू गॉट जीआई टैग। तो ये कौन से स्टेट की है जिसे जीआई टैग मिला है? ये है आंध्र प्रदेश से जिसे जीआई टैग मिला है। और ये एक तरीके की स्वीट है, मिठाई है, जो कि राइस और जैगरी को मिला के बनाई जाती है। विथ स्टेट्स लंगड़ा मैंगो गॉट जीआई टैग। तो ये उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के दूसरे प्रोडक्ट्स है जिन्हें जीआई टैग मिला है, वो देखते हैं बनारसी पान, अदाम चीनी राइस, रामनगर भंता। ये ब्रिंजॉल है एक तरीके का। विथ स्टेट्स कैश्यू गॉट जीआई टैग। कैश्यू यानी काजू जो होते हैं, उन्हें जीआई टैग मिला है। तो वो कौन से स्टेट से के हैं जिन्हें जीआई टैग मिला है? वो है गोवा के कैश्यू, उसे जीआई टैग मिला है। द थॉर्नी श्रब और स्मॉल ट्री नोन एज सी बक थॉर्न ऑफ विथ स्टेट और यूटी गॉट जीआई टैग। आप ये देख रहे हो फोटो में, ये छोटे ट्रीज होते हैं जिसे सी बक थॉर्न बोला जाता है। ये कौन से स्टेट या यूटी से बिलोंग करते हैं जिसे जीआई टैग मिला है? तो ये करते हैं लद्दाख से। तो आज के वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।